आइए दोस्तों, अतारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम, आइए आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी की शिकायत होती है, और देखिए दोस्तों जिन लोगों को शुगर की शिकायत भी होती है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी बूटी इस्तेमाल करें, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें। तो आइए दोस्तों, आज इस नुस्खे को शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर प्रकार का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। और इस बूटी के बड़े ही कमाल हैं, ये सर से लेकर पैर तक के काम में आती है, लेकर तुम्हारे शुगर से लेकर जोड़ों के दर्द जैसी मर्दाना ताकत के लिए। और ये जो बूटी है इसका तिला भी तैयार किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बाद लोगों का सवाल था कि रेग माही के फ़ायदे बताइए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान है इसके। तो देखिए दोस्तों, रेग माही के बेशुमार फायदे हैं। रेग माही रेगिस्तानी मछली है, इसकी तासीर गर्म होती है और खुश्क है। इस बूटी को हम सिंगल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सीने में जलन और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी, यानी कि पेशाब जलन के साथ आना शुरू हो जाएगा और हिचकी वगैरह आना शुरू हो जाएंगी अगर हम रेग माही सिंगल इस्तेमाल करते हैं। इस बूटी को किसी न किसी बूटी के साथ ही इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, इसे सिंगल इस्तेमाल नहीं करना। इसका दोस्तों तिला भी तैयार किया जाता है, तिला भी बनाया जाता है। ये मर्दाना टाइमिंग के लिए भी काम में आता है, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत काम में आता है, ये शुगर वालों के लिए भी बड़ा ही मुफीद है, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुगर वालों के लिए बात करते हैं, तो हमें शुगर वालों को कैसे इस्तेमाल करना है। शुगर वाले ये 10 ग्राम आप रेग माही ले लें, 10 ग्राम रेग माही लेने के बाद आप 50 यानी कि इसका पाउडर बना लें। आप पाउडर बनाने के बाद हमें करना क्या है, 50 ग्राम चने ले लें। 50 ग्राम चने लेने के बाद इन दोनों का आपस में पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसे सुबह नाश्ते के बाद सिर्फ 1 ग्राम इस्तेमाल करना, ठीक है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत तेज़ होती है, ठीक है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो हमें जो है सिर्फ 1 ग्राम लेना, ठीक है, नाश्ते के बाद सिर्फ सुबह सुबह लेनी है शुगर वालों को। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता तो आप कैप्सूल वाले खोल ले लें। आप इसे कैप्सूल में भर कर भी पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे शहद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद जो होता है शुगर वालों को नुकसान नहीं देता। औषधि की यानी कि औषधि है वो जो है फूल कंकड़ी का होता है, शहद जो बना हुआ होता है हल्का शहद में मिलाकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। अब रहा सवाल जोड़ों के दर्द के लिए और रहा सवाल मर्दाना ताकत के लिए, तो दोस्तों मर्दाना ताकत के लिए बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, आप इसे 10 ग्राम रेग माही ले लें और माजून जवारिश कमुनी आता है या और भी किसी भी माजून में आप मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 10 ग्राम आप मिला लें। मिलाने के बाद सुबह सिर्फ एक ही टाइम लेना है, आप सुबह या शाम को, ठीक है, सुबह आप नाश्ते के बाद ले लिया करें 1 चम्मच, यानी कि 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक रोजाना आप इस्तेमाल कर लिया करें दूध के साथ, या रात को सोते समय या सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है, इसी तरह आप रोजाना ले लिया करें, सिर्फ एक ही टाइम लेना है। इसमें ये नहीं है कि आप सुबह लें या शाम को लें, किसी भी टाइम आप एक टाइम ले लिया करें सुबह या शाम में, ठीक है। ये मर्दाना टाइमिंग को भी आपकी बढ़ाएगा और इसका तिला भी तैयार किया जाता है। तिला भी तैयार हुआ मिल भी जाता है और तैयार भी आप घर पे कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल से आपकी मर्दाना ताकत भी बढ़ेगी, कमर जोड़ों में दर्द ये पट्ठों को मजबूत रखता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं दोस्तों, सिंगल इस्तेमाल नहीं करना है इसे। तो देखिए दोस्तों, हम इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।